आज पूरा देश निर्दोष निहत्थे कश्मीरी बेटे बेटियों की हत्या होते देखकर आक्रोश में है, सिर्फ इसलिए कि वो नौजवान शांति चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उन्हें आतंकवाद का शिकार बनाया जा रहा है। यही यहां के आतंकवाद की सच्चाई है। मैं आज आपको, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और पूरे देश को यह विश्वास दिलाता हूं, इस आतंक का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा, हर आतंकी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक करके हम पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि अब भारत की नई नीति और नई रीति क्या होती है। हम जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद की कमर तोड़ करके ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर का विकास, यहां के लोगों का विकास, यह हमारी प्राथमिकता है और हमेशा रहेगी। मैं एक बार फिर आप सभी को शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जो सपना देखते थे, उन्होंने हमें विरासत में जो काम दिया है, उसमें हम एक पत्ती भर भी पीछे नहीं हटेंगे। उस भावना को हम साकार करके दिखाएंगे। और इसके लिए चाहे लद्दाख हो, चाहे श्रीनगर वैली हो, चाहे जम्मू हो, एक एक नागरिक को साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के, हम वही खुशहाल कश्मीर, शांत कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान को न्योता देने वाला कश्मीर, हरी भरी इस वादियों में खुशहाली के दिन वाला कश्मीर, उस सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक है वो कदम हम उठाएंगे। हमारा हर यहां का परिवार, हमारा यहां का हर बच्चा, उनका उज्जवल भविष्य, यही भारत के उज्जवल भविष्य का जीता जागता संबंध है। उस संबंधों को बरकरार रखते हुए हम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए बरसक प्रयास करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके तहे